Today we will start class 9th science chemistry and let us start to atomic structure. What is atomic structure? Atomic structure कैसे पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या उसमें होता है? तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। आपने सुना होगा कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, यानी एटम इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द होल वर्ल्ड। सब उससे छोटा कुछ होता नहीं, उससे छोटा हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वो अपनी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। परंतु इसके बाद भी साइंटिस्टों ने उसके अंदर कुछ तीन प्रकार के कणों को निकाला है, जो कि उसका नाम है, जो कि नाभिक में उसके होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग परमाणु को ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, माने इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो नाभिक बना होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आइए देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें उसके भी सेल और सबसेल होते हैं। तो यह स्कीम किसने लागू किया था और कैसे लागू किया था, उसको हम लोग आइए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट अलग अलग ऑर्बिट में कैसे प्राप्त होता है। तो एक इसके ऊपर एक संकल्पना की गई थी जिसे बोरबरी ने स्टार्ट किया था। बोरबरी एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बोरबरी। तो इन्होंने एक स्कीम दी थी कि सेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी इलेक्ट्रॉन में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक क्लास या दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में किस तरह डिफरेंट होते हैं या किस तरह विभाजित हो सकते हैं, उसमें हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो नियम दिया था, वो पहला नियम है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट और सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ द सेल, 2n स्क्वायर रूट। यानी जो 2n स्क्वायर के हिसाब से जो भी सेल होंगे, उन सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n जो है वो सेल का नंबर है। n मीन्स होता है नंबर ऑफ सेल, यानी क्लास, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार क्लास, इस तरह से नंबर ऑफ सेल n हो गया क्लास। तो n बराबर क्लास हो गए और 2n स्क्वायर इसके उसमें उसके ऑर्बिट्स की जितने भी इसमें सब वो आएंगे, आपके मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉनों के आएंगे, वो उनकी संख्या हो जाएगी। नंबर्स के बाद आएंगे नंबर टू है द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल कैन हाउ अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। यानी ऑक्टेट नंबर जो होता है 2, 8, 18, 32 इस तरह से बढ़ता जाएगा, क्योंकि कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्लास की संख्या को जैसे ही देखते हैं कि 2n स्क्वायर से बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि पहली क्लास के लिए 2n स्क्वायर में यहाँ पर अगर यहाँ हम पहली क्लास लिखते हैं कि 2n की जगह फर्स्ट क्लास लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि 2n या 2 यानी 2 हो गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरी क्लास देखते हैं, यहाँ जैसे ही दूसरी क्लास आते हैं तो दूसरी क्लास के लिए दूसरी क्लास के लिए 2 लिखते हैं, तो 2 2 4, 4 2 8 यानी 2, 8। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ सेल, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सेल। देखिए यहाँ फर्स्ट पहली क्लास है K, दूसरी है L, तीसरी है M और लास्ट है N, यानी 2, 8, 18 और 32 यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड, यहाँ पर स्थानांतरित होते रहते हैं बाहरी कक्षा में। यह फर्स्ट सेल दिखाई दिया, फर्स्ट सेल नाभिक के तुरंत पहली वाली सेल फर्स्ट सेल, फिर सेकेंड, उसके बाद वाली फिर थर्ड, फिर फोर्थ सेल, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो नंबर दो इसमें ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होती है। ऑक्टेट यानी ऐसी जो नोबल गैसेस होती हैं वो ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होता है, वो नोबल गैसेस होती हैं। इस हिसाब से जो इसका ऑक्टेट नंबर का पालन करती है। नंबर थर्ड आता है इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट अ शेल कम्प्लीटली फिल्ड बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हाइयर सेल। एक्चुअली व्हेन देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन अ सेल
द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर सेल स्टार्ट, जब तक कि कोई भी क्लास या कक्षा अपने कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ सेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल दोनों को समविभाजित नहीं कर लेती, तब तक वह सेल की संख्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाभिक के बगल वाली में दो और उससे अगली वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में समावेश हो जाता है, तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कंटिन्यूसली चालू हो जाता है। अब नंबर ऑफ चार, नंबर फोर्थ आता है, द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन टू इलेक्ट्रॉन नॉट द पेन्यूलेटेड और सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन एट इलेक्ट्रॉन अनलेस द प्रोसीडिंग इनर सेल। मान लीजिए किसी भी सेल का अगर इनर सेल यानी अंदर वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑक्टेट नंबर ऑफ एट इससे अधिक इससे कम और एट इलेक्ट्रॉन से अधिक की संख्या में हम लोग समविभाजित कर सकते, यानी बोरबरी का जो नियम था वह ऑक्टेट नंबर के हिसाब से फिट बैठता है और बराबर बैठता है। इसके बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरह से किया जाता है।